हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कान्हा जी की कलंगी वाली टोपी। तो हमने लिए हैं 20 फंदे और दो कलर की ऊन ली है हमने और 10 नंबर सिलाई ली। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि ये है हमारे 20 फंदे। तो हम इसकी दोनों तरफ से गांठ वाली 4 सिलाई उतार लेते हैं। क्रीम कलर की, फिर हम ये ऑरेंज कलर लगाएंगे। तो दोस्तों अब हम ये सीधी सिलाई उतार लेते हैं 4 इसकी ऑरेंज कलर की, ऐसे देखिए दोस्तों। फिर 4 सिलाई क्रीम कलर की उल्टी उतारेंगे गांठ वाली, 4 सीधी और 4 उल्टी सिलाई उतारेंगे इसमें। तो दोस्तों देखो, ये हमने 4 ये गांठ बनाए थे, 4 हमने ये प्लेन बनाए थे और 4 गांठ हमारी ये हो गई। अब इसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं और इसमें से देखो 3 ये और 3 हमारी ये फली के फंदे, इसको हम घटाएंगे, 3 का 1 कर देंगे। फिर 3 ये हो गए हमारे दूसरा भाग, फिर इन 3 का 1 कर देंगे, 2 भाग हो गए, फिर 3 ये इनका 1 कर देंगे, फिर ये हमारा चौथा भाग। तो हम 3-3 फंदे पे 3 फंदों का 1 कर देंगे, जैसे गले की फली बनाते हैं ऐसे ही इसको करेंगे। देखो इससे 4 भागों में इसको बांट देते हैं, 1-2-3 हमारे 3 फंदे हो गए। ये देखो इससे गले की फली बनाते हैं, ऐसे हमने इसको यहाँ से बंद कर दिया। फिर 3 फंदे बनाएंगे, 1-2-3 फिर इसको ऐसे करेंगे गले की फली जैसे, दो भागों में हो गया, 1-2-3 फिर 3 फंदे और फिर 1 कर देंगे, फली बना देंगे, ये हो गए 3 भागों में। फिर ये 3 फंदे बना देंगे, ये हमारा 4 भागों में बराबर बराबर हमने 3-3 फंदे कर दिए। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना। तो दोस्तों देखो, ये हमारी टोपी बनके तैयार हो गई है। तो ये यहाँ सारे फंदे घट गए हैं, तो अब इसको हम ऐसे उल्टा करके और इसको ऐसे सिल लेते हैं इसको ऐसे। तो मोटा मोटा टांका मारते हैं, ढीला ढीला इसको ऐसे ये जगह करते हैं। देखो दोस्तों, अब ये हमारे कान्हा जी की कलंगी वाली टोपी बनके तैयार हो गई है। तो हमने ये चोटी बना के लगाई है यहाँ पे ऊन की और ये फंदे हैं और बीच में हमने स्टोन लगा दिए हैं। ये हमारी कलंगी हो गई और ये दोस्तों देखो हमारी कान्हा जी की टोपी हो गई। ये हमारी कान्हा जी की टोपी बनके तैयार हो गई। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।